नमस्कार दोस्तों, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा कोटड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा ने 6 जून 2024 को 226 नंबर कार्यालय आदेश जारी करते हुए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत नियोजित कार्मिकों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। क्या कुछ पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा के आदेश दिनांक 15 फरवरी 2024 द्वारा प्राप्त श्रीमान संयुक्त शासन सचिव वित्त बीमा प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग राजस्थान के जयपुर के पत्र दिनांक 12 सितंबर 2023 और श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र दिनांक 14 सितंबर 2023 द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लाए गए पदों हेतु अडॉप्ट किए गए संविदा कार्मिकों के नियमानुसार प्राण नंबर जारी करवाने, एनपीएस खाता खुलवाने, एनपीएस कटौती करने, सेवा पुस्तिका संधारण किए जाने हेतु ब्लॉक अधीनस्थ समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कोटड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत अडॉप्ट किए गए संविदा कार्मिकों के पीडी हेड के अधीन कार्यरत संविदा कार्मिक, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ सहायक, सहायक शिक्षक, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक और शिक्षा सहायक के संबंध में प्रत्येक माह की 15 से 20 तारीख के मध्य एम्प्लॉई एनपीएस गवर्नमेंट एनपीएस से संबंधित प्राण खाते में जमा कराकर एक प्रतिलिपि स्थानीय कार्यालय के जो कर्मचारी हैं उनको प्रेषित करें, ताकि जो इनका सैलरी है उसका भुगतान किया जा सके। और इन्होंने कहा कि एनपीएस की जमा रसीद के अभाव में मानदेय का भुगतान नहीं होता है, तो आप समय की जो संबंधित की जो जिम्मेदारी यहाँ पर होगी। तो आप देख सकते हैं, राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत संविदा कार्मिकों के नियमानुसार प्राण नंबर जारी करवाने, एनपीएस खाता खुलवाने, एनपीएस कटौती करने, सेवा पुस्तिका संधारण करने को लेकर ब्लॉक के जो प्रारंभिक पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया था। साथ इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स 2022 के तहत संविदा कर्मचारियों के एम्प्लॉई एनपीएस और गवर्नमेंट एनपीएस का जो हिस्सा है वो 15 से 20 तारीख को जमा करवा कर इसकी रसीद जो है कार्यालय के संबंधित कार्मिकों को भेजे, ताकि संबंधित जो कार्मिक हैं उनका जो मानदेय का भुगतान किया जा सके। इन्होंने कहा कि एनपीएस की रसीद प्राप्त नहीं होती है, तो अगर संबंधित कार्मिक का जो मानदेय का भुगतान नहीं होता है तो संबंधित जो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है वो दोषी हों यहाँ पर जो है उत्तरदायी होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा कोटड़ी ने अपने समस्त पीयू पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करके यहाँ पर कहा है कि पंचायत जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो जो संविदा कर्मचारी राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत अडॉप्ट किए गए हैं, उन समस्त संविदा कर्मचारियों के नियमानुसार प्राण नंबर जारी करवाने, एनपीएस खाता खुलवाने, एनपीएस कटौती करने और सेवा पुस्तिका संधारण को लेकर डायरेक्शन जारी किए थे। साथ ही इन्होंने कहा है कि प्रत्येक माह की 15 से 20 तारीख को एम्प्लॉई एनपीएस और गवर्नमेंट एनपीएस संबंधित एम्प्लॉई के प्राण खाते में जमा करवा कर इसकी रसीद एक ब्लॉक कार्यालय में भिजवाएं, ताकि संबंधित कार्मिकों का वेतन भुगतान किया जा सके। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।